एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे चंदौसी की, जहां पर लोगों ने नगर पालिका की चेयरमैन का इसलिए घेराव किया क्योंकि टंकियों में गंदा पानी आ रहा है। इसके अलावा तमाम तरह की पेंशन है जो लोगों को मिल रही थी, आज वो लोग उस पेंशन से भी हाथ धो बैठे हैं। बताते चलें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन है नगर पालिका परिषद चंदौसी में, जिनके सामने लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और लोगों का कहना है कि यदि नगर पालिका उन्हें ज़रूरी जो सुविधाएं हैं मुहैया नहीं करा सकती, जिसमें सबसे पहले बात पानी की आती है, अगर साफ पानी भी नगर पालिका नहीं दे सकती तो उन लोगों का टैक्स देना भी बेकार है। कुछ लोगों ने बताया कि जो चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के लिए वहां पर गई हुई थी, लेकिन उपलब्धियों को गिनाने से पहले ही लोगों ने उन्हें समस्याएं गिनानी शुरू कर दी, जिनमें सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आई है वो पीने के पानी की है, क्योंकि पीने का पानी सीधे तौर पर आदमी के स्वास्थ्य पर असर डालता है, जिसकी वजह से तमाम गंभीर बीमारियां भी आदमी को हो सकती हैं। चंदौसी में घटलेश्वर गेट पर भाजपा की उपलब्धियों को बताने के लिए पहुंची चेयरमैन इंदुरानी को लोधियान मोहल्ले के नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर घेराव कर लिया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की टंकियों में गंदा पानी आ रहा है, ऐसे में पानी पीने से लोगों को भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। उनके वार्ड में कई लोगों के यहाँ शौचालय भी नहीं है, लोगों की विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन, विकलांग पेंशन भी नहीं हो पा रही। शिकायत करने वालों में सुरेश चंद, पुलकित, केपी सिंह, उमेश, मंजू, पुष्पा देवी, विमला रानी, सूरज, विक्की आदि लोग भी शामिल रहे।